नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईपीएल न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ही टीम में खेलते हुए आप सभी को नजर आएंगे विराट कोहली, धोनी और रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने बनाया बड़ा प्लान, इस बार आईपीएल 2020 में दिखेगा आप सभी को एक अलग ही नजारा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। 3 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और पूरी जानकारी को जरूर आप लोग जानिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार क्या है ये मुकाबला। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा एक ही साथ खेलें, तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपके ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि बीसीसीआई और आईपीएल कमेटी भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक ही टीम में खेलने पर इस बार मजबूर कर देगी। दरअसल ये मुकाबला आईपीएल से 3 दिन पहले खेला जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी बीसीसीआई ने कर दी है। तो वहीं हम आपको बता दें कि आईपीएल 2020 का पहला मैच 29 मार्च को खेला जाने वाला है और वहीं आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने दिल्ली में सोमवार की बैठक में इस बात पर विचार किया है कि 8 टीमों के खिलाड़ियों को एक साथ मैच में उतारा जाएगा। वहीं आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा जब टूर्नामेंट से पहले एक चैरिटी मैच आयोजित किया जाएगा। तो वहीं आईपीएल चैरिटी मैच आईपीएल के उद्घाटन मैच से 3 दिन पहले यानी कि 26 मार्च को खेला जा सकता है, जिसमें तमाम दिग्गज एक साथ आप सभी को नजर आ सकते हैं। जी हम आपको बताएं पूरा मामला क्या है। तो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग 2 टीमें बनाना चाहती है, जिसमें एक टीम नॉर्थ और ईस्ट भारत की होगी और जबकि जो दूसरी टीम होगी वो साउथ और वेस्ट भारत की हो सकती है। तो ऐसे में एक टीम में दिल्ली कैपिटल्स, किंग इलेवन पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खिलाड़ी होंगे, जबकि दूसरी टीम में चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी होंगे। तो ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल स्टार मैच का विचार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बनाया है और दिल्ली में आयोजित हुई बोर्ड की मीटिंग में गांगुली के साथ आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग के चेयरमैन ब्रजेश पटेल भी मौजूद थे। तो अगर BCCI का ये प्लान जमीनी हकीकत बनता है तो क्रिकेट के मैदान पर कुछ अलग ही नजारा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो वही हम आपको बता दें कि अगर साउथ और वेस्ट जोन की टीमों के हिसाब से देखा जाए तो इस ऑल स्टार मैच में विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, AVD Villiers, जसप्रीत बुमराह, शेन वॉटसन, हरभजन सिंह और लेसित मलिंगा जैसे धाकड़ खिलाड़ी एक ही टीम का हिस्सा होंगे। और वहीं नॉर्थ ईस्ट की फ्रेंचाइजी के हिसाब से देखा जाए तो आंद्रे रसल, ऋषभ पंत, बेन स्टॉक्स, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, पैट कमिंग्स, इयान मॉर्गन और जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ी दूसरी टीम में शामिल होंगे। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या इस चैरिटी मुकाबले को होना चाहिए और अगर ये मुकाबला होगा तो आप सभी इस मुकाबले के लिए कितना एक्साइटेड है। 100%, 90%, 80% जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं तो पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा अगर ऐसा कोई मुकाबला होता है तो। मेरा तो लेवल 100% है, आप अपना जरूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।